So they loved him very much. So farmer and his wife lived in a village with their small son. So farmer और जो wife थे वो किसके साथ रह रहे थे? अपने छोटे बेटे के साथ. और farmer और उसकी wife अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे. We must have a pet. और उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक pet भी होना चाहिए. The farmer said to his wife one day. Farmer ने अपनी wife को कहा. So when our son grows up, जब मेरा बेटा grow करेगा, he will need a companion. तो उसे companion की भी ज़रूरत होगी. So this pet will be our son's companion. तो ये son हमारे ये जो pet होगा ये मेरे बेटे का दोस्त बनेगा. His wife liked the idea. और उसकी wife को ये idea पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. अब एक शाम को फार्मर क्या लेकर आया? एक छोटा सा मोंगूज लेकर आया. सो बेबी मोंगूज, सेड हिज वाइफ. वाइफ ने कहा ये तो बच्चा है मोंगूज का. बट विल सून बी फुली ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. बट बड़ी जल्दी किसी एक दिन ये बर्ड इसका साइज ग्रो कर जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा और ये मेरे बेटे का दोस्त बन जाएगा. नाउ बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू. अब वो दोनों बड़े होते जा रहे थे. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 से 6 महीने के अंदर अंदर मंगूज पूरा बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल विद 2 shining black eyes एंड अ बुशी टेल. उसकी चमकती हुई काली आंखें थी और एक टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. लेकिन फार्मर का बेटा अभी भी क्रैडल में ही था. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन farmer की wife market जाना चाहती थी. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. और बच्चे को वो उसके cradle में छोड़ के चली गई. Picking up the basket, she said to her husband. Basket उठाके उसने अपने husband से कहा, I am off to the bazaar. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बेबी सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उस पर नजर रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. वैसे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था बच्चे को अकेला मंगूस के साथ छोड़ना. यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम बाजार जाओ, मैं देख लूंगा. द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. और तुम्हें तो पता ही है कि वो दोनों अब दोस्त हैं और वो कोई बेबी को हार्म नहीं पहुंचाएगा और ये दोनों फ्रेंडली भी हैं. एंड द फाइव आई मीन द एनिमल जो है ये मंगूस ये बहुत फ्रेंडली होता है. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. अब क्या होता है कि बच्चे को वो मंगूस के साथ अकेला छोड़ देता है और फार्मर के पास घर में अकेला काम तो होता नहीं तो वो भी बाहर चला जाता है और वो देख कर आता है कि उसकी फील्ड में क्या कि क्या कैसा फील्ड में क्या हो रहा है. ठीक है, कैसी दिख रही है, क्योंकि वो फार्मर है, खेत में जाता है. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और फिर वहीं वो अपने दोस्तों के साथ टहलता रहा और घर वापस आना भूल ही गया.